जय हिंद इन साइटस इज बीस आई यू वेलकम यू ऑल टू वन ऑफ द बेस्ट कम्पाइल्ड विडियोज फॉर योर डिफेंस एग्जाम एज यू नो दैट एग्जामिनेशन फॉर सी ए पी एफ एन डी ए सी डी एस एन एफ कैट इज कमिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट यू सी इन दिस डिफेंस एग्जामिनेशन इज दैट द क्वेश्चन दट आर कमिंग आर डायरेक्टली फ्राम डिफेंस करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द स्टार्टिंग पोर्शन सो इन दिस वन विडियो आई विल मेक श्योर दैट आई एल कवर ऑल ऑफ दिस फॉर यू एंड इसके अलावा तुम्हें कोई भी रिसोर्स टच करने की जरूरत नहीं है दिस विल भी वन कंपाइलेशन जो आप क्वेश्चन स्टैटिक और करंट के लिए करनी है ठीक है वेन आई टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स आई विल बी कवरिंग करंट अफेयर स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टिल जून बिकॉज दैट इज ऑल यू नीड फॉर दिस एग्जामिनेशन ओके एंड इसके अलावा एक सेपरेटली वीडियो जो बनेगी दैट विल बी ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज ठीक है तो वो मुश्किल से ट्वेंटी मिनट्स की एक अलग से वीडियो होगी मेक श्योर दैट यू कवर दट ऑल्सो इट रोली रोली सुन टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पोर्शन वॉट ऑल आई एल बी कवरिंग इज द फर्स्ट हु इज वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है राइट सुब्रत मुखर्जी के बारे में आ जाएगा किन्नी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है द सेकंड थिंग इज विल

मोटोज क्या है ऑल ऑफ दिस आईल बी कवरिंग इन दिस वन सिंगल वीडियो सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट एटलीस्ट वन एट वाइस बिकॉज यू विल सी एटलीस्ट थ्री टू फोर क्वेश्चन कमिंग अप इन योर एग्जामिनेशन डायरेक्टली फ्रॉम दिस वन कंपाइलेशन एंड तुम्हें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है सो लेट स्टार्ट विदाउट प्रेपरेशन फॉर डिफेंस

रेक्टराइजेशन एंडलुएशन आई होप यूल रिमेंबर दिस फिर आते हैं ब्रिटेन एंड होव सिटी काउंसिल जो की इंग्लैंड में है अब क्या हुआ है दैट एज यू नो इंडियन सोल्जर्स जो थे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड फोर्ट

Out of the plastic waste. Okay, I hope this is clear. Coming to the next one, that is who completed a historic. ट्रांस ओशनिक एक्सपेडिशन जो ऑलमोस्ट दो महीने का था स्टार्ट कहां से हुआ था गोवा से गोवा से पोर्ट लुई जो कि मॉरिशस है और पोर्ट लुई से वापस बैक टू गोवा और ये जो कंडक्ट किया गया था दैट वॉज इन आई एन एस बी तरीनी नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सी डी एस में भी आ सकता है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज ऑफकोर्स लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए दोनों के दोनों जो हैं दे वेंट एंड दे कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर ट्रांस ओशनिक एक्सपेडिशन ओके सो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी दैट इज बोथ बोथे एन बी टॉकिंग अबाउट कर्नल वैभव अनिल काले ज हीज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड ही वॉज सर्विंग एज अ स्टाफ मेंबर फॉर वॉट यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ठीक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो ही वॉज इन गाजा ड्यूरिंग दिस टाइम एंड इसल ने क्या किया वहां पर अटैक किया एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ही लॉस लाइफ तो इसलिए ये वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी जरूरी हो जाती है सो प्लीज रिमेंबर हु इज ही कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दट इज़ ट्रिविया जो कि जरूरी है इंडियन एयरफोर्स के लिए एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एफ कैट एग्जाम फर्स्ट थिंग इज की इंडियन एयरफोर्स को पहले बुलाया जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स दैट वॉज इन एट ऑफ अक्टूबर ये इस्टेब्लिश हुई नाइनटीन थर्टी टू में लेकिन उसके बाद ये रॉयल जो है ये वर्ड हटा दिया सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बच गया एंड दिस वॉज समवेयर डन इन यू नो नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन सो ट्वेंटी फिफ्थ मे 1959 ऐसा कुछ देखने को मिला उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को बुलाया जाने लगा भारतीय वायुसेना एज यू कैन सी here भारतीय वायुसेना और ये जो लिखा हुआ है दैट इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक है देवनागरी स्क्रिप्ट में है ये एंड दिस वाज अराउंड सेवनटीन ऑगस्ट 1979 ठीक है है उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट एंड ओनली मान लो ऑफ यू नो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हु हैज बीन गिवन पीवीसी सो इसका जो आंसर है दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग की स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स उसे क्या बोलते हैं हम लोग वी कॉल इट गरुड ठीक है क्या बोलते हैं

सारंग हेलीकॉप्टर टीम ओके सो इफ आई टॉक अबाउट सारंग नाउ दिस हैज वॉट इट हैज एच ए एल ध्रुव सो दे फ्लाई एच ए एल ध्रुव टेकउट ऑफ इट उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन दैट इज लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस कौन सा है इट इज हिंडन एयरफोर्स बेस वेयर एज इफ आई आस्क यू हाइएस्ट एयरफोर्स बेस कहां पर है हाइएस्ट एयरफोर्स बेस कहां है लद्दाख में दैट इज दौलत बेग ओली ठीक है दिस इज वे दिस इज इन लद्दाख ओके उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की टच द स्काई विद ग्लोरी ये जो है मोटो है ऑफ इंडियन एयरफोर्स आपको एयरफोर्स अकेडमी का भी पता होना चाहिए बिकॉज यूल बी ज्वाइनिंग ए फोर्स अकेडमी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एयरफोर्स राइट सो इसका क्या है श्रम से सिद्धि आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू कमिंग टू द नेक्स्ट वन समउंड आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए और ज्वाइन कर रहे हो इंडियन एयरफोर्स आर्मी नेवी तो यार ये तो पता होना चाहिए तुम्हें हु इज द मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स एस एस बी देने जाओगे कोई ना कोई हॉल इनके नाम पे होगा ही होगा द आंसर फॉर द सेम इज अर्जुन सिंह देहरादून एस एस बी में तो स्पेसिफिकली इनके नाम पे है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं जनरल पी एन थापर हु इज ही इज वॉट जल्दी बताओ चीफ ऑफ आर्मी कब जब नाइनटीन सिक्सटी टू का वॉर चल रहा था नाइनटीन uh, सेवेंटीज में भी कोई वॉर हुआ था कौन सी कंट्री के साथ हुआ था उस टाइम कौन चीफ है जल्दी बताओ आगे मैं आपको ये बताने वाला वालू नीचे कॉमेंट करके बताओ लेट्स सी आप में से कितने सही आंसर देते हैं एडमिरल चार्ल्स थॉमस मार्क पीजी फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेक्स्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट राउंड नेम्स हैं जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन जनरल महाराजा ठीक है महाराजा ऑल्सो दैट्स वाई ठीक है राजेंद्र सिंह जी ठीक है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट ठीक है सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगी आई नॉट पुट एनीथिंग दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट ओके फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है इंडियन बात हो रही है यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा देख के चलना फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है ये फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है ठीक है वाइस एडमिरल सो प्लीज देख के आंसर मार्क करना बिल्कुल भी जल्दबाजी में गलत आंसर मार्क नहीं करके आओगे ठीक है आर डी कटारी उसके बाद आते हैं फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन रहे हैं फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल एम करियप्पा देखो आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे यार एम करियप्पा इज सो फेमस उसके बाद नेक्स्ट इज इवन मोर रनआउट नेम फर्स्ट आर्मी चीफ टू बिकम फील्ड मार्शल ही इज फील्ड मार्शल एस एच एफ जे सैम बहादुर के नाम से भी इन्हें बोला जाता है सैम शाह ठीक है सैम शाह उसके बाद आता है फर्स्ट चीफ अच्छा मैं एक बार ना यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट अगर आपने ये स्पेलिंग लिखनी है आप क्लियरली लिख पाए करियप्पा विल बी दिस एंड मानिक शाह विल बी दिस ओके उसके बाद आते हैं फर्स्ट इंडियन चीफ टू बिकम एयर स्टाफ सो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी इनके नाम पे एक फुटबॉल ट्रॉफी भी है राइट right? कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और उसके मोटोज़ बहुत जरूरी है सबसे पहले हम उसके करंट अफेयर्स देख लेते हैं सो फर्स्ट इज आर पी एफ एज यू नो वेमेंस डे अभी अभी गया है सो वुमेंस डे में क्या देखा गया है आर पी एफ जो है इट बिकम्स स्पोर्ट रनर दैट इज फर्स्ट अमंग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज वैन इट कम्स टू फीमेल रिप्रेजेंटेशन जेंडर इक्वालिटी और हर एक चीज की अगर बात की जाए आर पी एफ वॉज फर्स्ट देन आते हैं ए एम सी तो टू रेजिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड एंड इसका मोटो बहुत जरूरी है कैन बी आज दिस टाइम इन एग्जामिनेशन दैट इज सर्वे संतु निर्माया ठीक है एंड आई माइट बी अ बिट रॉन्ग इन प्रोनाशिएशन बट इसका जो मीनिंग है दैट इज लेट ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज ओके नेक्स्ट आता है इंडियन नेवी सो so इंडियन नेवी की अगर बात करूं फाइनली इट हैज इट्स ओन डेडिकेटेड हेडक्वार्टर बिल्डिंग जिसका नाम क्या है नौसेना भवन फाइनली एंड अभी तक नहीं था आज डिफेंस मिनिस्टर दट इज राजनाथ सिंह उन्होंने फिफ्टींथ मार्च को फॉर्मली इनोग्रेट किया है नौसेना भवन इन न्यू डेली उसके बाद आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड सो इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक सेंटर जो है वो ओपन किया गया है एट आई मंडपम जो कि कहाँ है रामेश्वरम तमिलनाडु के पास अराउंड दैट प्लेस ठीक है uh, आंध्र प्रदेश पुडुचेरी उसके अराउंड ये पड़ता है नाउ वेन वी टॉक अबाउट दिस इसका काम है ऑपरेशनल प्रिपेरनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस रीजन में ताकि सेफ सिक्योर और क्लीन सीज रहें ठीक है वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को आपको बतानी है दैट इज डिफेंस की एक पी है जिसको ढाई साल कंप्लीट हो गए हैं उसकी स्टेब्लिशमेंट वॉज इन सेवनटीन सेवेंटी इज द नेम दैट इज मज डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आपने बहुत नाम सुना होगा कहीं ना कहीं आता ही रहता है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का ठीक है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एमएचए के अंडर नहीं है सीएपीएफ जितने भी हैं सच जैसे राइफल हो चाहे आपका बीएसएफ हो चाहे सीआईएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो आई टीबीपी हो ठीक है देन एन एस जी स के अंडर आते हैं दे कम अंडर एम एच ए सो प्लीज स्टार मार्क दिस एमएचए के अंडर आते हैं ऑल्सो इन सबके आपको क्या पता होने चाहिए मोटो पता होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे एन एस जी का क्या है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ठीक है सो यू शुड नो इट जल्दी से नीचे आप कॉमेंट करो सी बी आई का क्या है मोटो दिस हैड बी ना स्न एग्जाम इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ठीक है सो दिस इज इट एंड इसके अलावा अगर हम बात करें टी ए एंड एन सी सी दिस ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ठीक है अब जल्दी से हम सारे मोटोज देख लेते हैं देखो मोटो में ये जितने मैंने डाले है, हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ओके इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स ये तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए गोइंग टू ज्वाइंट फोर्सेस ओके उसके अलावा देखो बी एस एफ वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने अभी आपको एमएचए के अंडर बताए दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके अलावा आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का भी पता होना चाहिए ए एम सी का you, question, right? Now, thing, है ऑलरेडी टोल्ड यू पीछे इन द क्वेश्चन करंट अफेयर्स कराते हुए राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग की क्वेश्चन आते कैसे हैं आजकल सो क्वेश्चन डायरेक्टली कैसा आता है कि जैसे आई बी है तो ये सेटअप कब की गई थी नाइनटीन ट्वेंटी में सेटअप की गई थी ठीक है इसके साथ साथ इसका काम क्या था कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड uh, आउट करना ताकि कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे ठीक है असम राइफल्स ये कब स्टैब्लिश हुई थी ये की, की गई थी 1835 में इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री अगर क्वेश्चन आता है ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री का सो नाउ यू नो विच वन इट इज ठीक है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है उनका ध्यान रखना है एंड स्पेसिफिकली कौन कौन से दैट इज अरुणाचल प्रदेश मणिपुर ठीक है देन मिजोरम एंड नागालैंड ठीक है फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन दैट इज सी आर पी एफ ये जो सेटअप किया गया था दैट वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज स्टेट और यूटी जो है उनकी पुलिस को क्या करना हेल्प करना असिस्ट करना कि वहां पे एक इंटरनली ऑर्डर जो है वो बना रहे ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एन सी सी देखो ये बनाया कब गया था इट वॉज इन नाइनटीन फोर्टी एट और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज जितना भी हमारे देश में यूथ है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना टू ज्वाइन फोर्सेज डिफेंस फोर्सेज ओके फिर आते हैं टेरिटोरियल आर्मी ये इस्टैब्लिश कब हुई थी सेम नाइनटीन फोर्टी एट में इस्टैब्लिश हुई थी एंड दिस वॉज अ पार्ट टाइम वॉलन्ट्री सर्विस जो कि डेवलप की गई थी फॉर द सिविलियंस हुआ इन इंडिया एंड एटीन से फोर्टी टू ईयर्स की एज के अगर आप हैं यू कैन जॉइन एंड इट इज अ प्रोफेशन फॉर सिविलियंस जो कि डिफेंस ऑफ द कंट्री में हेल्प करते हैं एंड दैट बींगट सीन फॉर्ज वेरी वेरी क्लोजली आई कैन टेल यू वन थिंग अगर आपकी एज लिमिट निकल गई है यू शुड अपलाई फॉर टी ए बिकॉज अगर आप ट्वेंटी ईयर्स सर्व कर लेते हैं इन टोटल टी ए में सो यू ऑल्सो गेट पेंशन इन ह्यूर पुलिस ठीक है ये स्टैब्लिश कब की गई थी नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू में स्टैब्लिश की गई थी आफ्टर देर वॉज अ चाइनीज अटैक ध्यान देना चाइनीज अटैक के बाद और इसका मेजर काम क्या है नॉर्थ North, नदर्न uh, जो बॉर्डर है वहां पर क्या Uh, देखना एक तो कोई स्मगलिंग ना हो इलीगल स्मगलिंग शुड नॉट बी देयर और दूसरी चीज कि कोई भी इमिग्रेशन जो इलीगल होती है दैट इमिग्रेशन शुड नॉट बी देयर ओके फिर आते हैं होम गार्ड पे ये भी 1962 में ही uh, जो था एस्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन काम है पुलिस को असिस्ट करना इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सी बी आई सी बी आई जो है स्टैब्लिश किया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज टू इन्वेस्टिगेट अगर कोई भी मिसकंडक्ट है बाय एनी पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई भी फ्रॉड है बेजलमेंट है ठीक है कोई भी इंटरनेशनल क्राइम केसेज हैं ठीक है वो इंटरपोल के साथ कौन मैनेज uh, करता है सीबीआई इट सेल्फ डज इट आई होप दैट इज क्लियर बी एस एफ आप सब लोग जानते हैं कब इस्टिश हुई थी नाइनटीन सिक्सटी फाइव में और इसका मेन काम क्या है जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहां पे इंट्रूजन को रोकना ठीक है सी आई एस एफ आपने देखा होगा सी आई एस एफ कहाँ कहाँ होते हैं यू कैन सी देम ऑन मेट्रो स्टेशन यू कैन सी देम ऑन एयरपोर्ट्स तो इनका मेजर काम क्या है टू मॉनिटर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं कोस्ट गार्ड का क्या काम है कोस्ट गार्ड का जो काम है दैट इज की मैरिटाइम uh, जो एरिया है उसको क्या करना प्रोटेक्ट करना नेशनल इंटरेस्ट में जो भी आता है एनएसजी का क्या काम है मिलिटेंसी अगर है कंट्री के अंदर तो उसको काउंटर करना वेरी ट्रेन फोर्स दैट इज एन एस जी ठीक है एनसीआरबी फिर एन का क्या काम है दैट इज कोई भी अगर स्टैटिस्टिक्स uh, है कोई भी इंफॉर्मेशन है नेशनल क्राइम्स का उसको क्या करना एक तरीके से उसके रिकॉर्ड्स uh, मेंटेन करना ओके सो दिस इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है

फिर आ जाते हैं हम लोग जितने भी एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है एव टाइटली एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फर्स्ट आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स पे ठीक है सो सू थर्टी एम के देखो पहली बार ट्विन सिटर या सिंगल सिटर ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये मैं ट्विन के लिए टू यूज करूंगी सिंगल के लिए वन एंड देन आई बी टेलिंग यू द कंट्री सो थर्टी हमने कहां से लिया लियान इट फ्रॉम रशिया इट इज अ ट्विन सिटर मिग ट्वेंटी ट्विन सिटर सोवियत यूनियन से मिराज कहां से लिया हम लोगों ने यू हैव टेकन इट फ्रॉम फ्रांस एंड इट इज सिंगल सिटर अगेन इफ आई टॉक अबाउट रिफेल ऑल्सो इट इज फ्रॉम फ्रांस एंड सिंगल सीटर ये हमने लेटेस्ट हमारे पास

फाइव में इसके सारे स्कॉन्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे मिग ट्वेंटी वन विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स ओके एंड कमिंग टू एच एल तेजस नाउ दिस हैड बीन सो मच इन न्यूज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अगर पूछा जाता है दैट इज तेजस एंड हम लोग इसे दूसरे कंट्रीज में भी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ओके सो दिस कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट द फर्स्ट वन इज आई एल सेवेंटी सिक्स दिस बी टेकन फ्रॉम सोवियत यूनियन ठीक है C17 सेवेंटीन ग्लोब मास्टर और सी वन थर्टी जे सुपर ये दोनों के दोनों हमने यूएस से लिए जितने भी C वाले ऐसे याद रखना है हॉक्यूलस दैट इज फ्रॉम हर्क्यूलिस बोल सकते हैं या ग्लोब मास्टर सिर्फ ये भी आ सकता है तो ये दोनों जो है दिस इज फ्रॉम यूएस देन दैन ए एन थर्टी टू दिस इज फ्रॉम सोवियत यूनियन बोइंग जो है दिस इज फ्रॉम अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके डॉनियर इज फ्रॉम जर्मनी कहां से है जर्मनी से है देन हॉकर सिडली जो है दिस वन इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड सी टू नाइन फाइव नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल मी ये कहां से है जल्दी से बताओ नीचे कॉमेंट करो एम्ब्रेयर इज फ्रॉम ब्राजील ओके ए फॉर ट्रांसपोर्ट आई एल राइटिंग टी ओके सो एच एल रुद्रल सी एच कहां से लिया कहीं से लिया इंडिया का खुद का है एंड दिस इज वॉट अटैक हेलीकॉप्टर फिर आते हैं मी मी वाले जितने भी हैं दिज ऑल आर टेकन फ्रॉम वॉट दिस हेज बीन टेकन फ्रॉम सोवियत यूनियन नाव रशिया एंड ये जो है जैसे मी थर्टी फाइव जो है दिस वन इज अटैक हेलीकॉप्टर बड़ा नंबर ऐसे याद रखना और ये जो छोटे नंबर वाले हैं वो डर दीज दीज आर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनुक इज टेकन फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर द्रुव जो है ये कहा का है इंडिया का यह आपको नाम से पता चल जाएगा इट्स अ ट्रांसपोर्ट देन आते हैं एच ए एल चीता और चेतक ये दोनों जो हैं ये फ्रांस से लिए हमने और ये क्या है ट्रांसपोर्ट अच्छा जल्दी से बताओ अब नीचे कमेंट करो कि कौन सा फाइटर हमने फ्रांस से लिए दो फाइटर्स हैं अभी अभी बताया था मैंने आपको प्रचंड की अगर मैं बात करूं व्हाट इज दिस दिस इज मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ठीक है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है जल्दी बताओ और ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ठीक है सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट उसके बाद अपाचे ये मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूं अपाचे जो है दिस इज वॉट अटैक हेलीकॉप्टर ठीक है इसके अलावा आपको आई एल सेवेंटी एट के बारे में बता होना चाहिए ये जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये हेलीकॉप्टर नहीं है ठीक है ये क्या है दिस इज अ मिड एयर रिफ्यूलर डेयर रिफ्यूलर अब हम जल्दी से बात करेंगे अबाउट एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट या फिर कोई शिप्स अगर रही है न्यूज में लेट्स सी वॉट बीन इन द करंट अफेयर्स सो so स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स एम एच सिक्सटी आर ये क्या है सी ऑक हेलीकॉप्टर्स हैं ने, इंडियन नेवी ने कमीशन किया है इसे आई एन एस गरुड़ जो कि कोची में है अब इसके अंडर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इफ आई टॉक अबाउट देर आर टोटल ट्वेंटी फोर हेलीकॉप्टर्स आर देर एंड दीज केव अंडर एफ एम एस दैट इज फॉरन मिलिट्री सेल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किसके साथ किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किया था दिस वॉज डन इन फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है और इस स्क्वाडन का नाम क्या है द नेम ऑफ द स्क्वाडन इज सी हॉक स्क्वाड्रन ठीक है

क्या हुआ था दैट दिस पर्टिकुलर प्लेन वेंट मिसिंग ओवर बे ऑफ बंगाल दैट इज इन 2016 थाउजेंड एंड सिक्सटीन एंड फाइनली इसकी जो डेबरी है दैट हैड बीन फाउंड एंड देर वर टोटल ट्वेंटी नाइन पीपल अबोर्ड वैन इट वेंट मिसिंग ओके नेक्स्ट इज आई एन एस सुनैना सो आई एन एस सुनैना इट हैज एंटर द पोर्ट ऑफ विक्टोरिया दैट इज इन सेचल्स क्यूं बिकॉज यहां पर अब क्या होने वाला है इंडियन मिलिट्री कंटेंजेंट होगा ठीक है दैट विल बी टेकिंग अ पार्ट इन मिलिट्री परेड जो कि होगी वाई बिकॉज ऑफ सेचिल्स नेशनल डे ठीक है एंड इट हैड बीन सिंस नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स ओके सो आई एन एस सुनैना विल बी अ पार्ट ऑफ इट इट हैड बीन ऑन अ लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट जो आईनएस सुनैना थी वो कहां पर डिप्लॉयड अभी साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में डिप्लॉयड है ओके नेक्स्ट वन दैट यू शुड नो अबाउट इज हीट अभ्यास सो डीआरडीओ जो है उसने सक्सेसफुली टेन जो ट्रायल्स हैं ऑफ हीट अभ्यास जो है वो क्या किए हैं कंडक्ट किए हैं हीट हियर स्टैंड फॉर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट एंड ये जो है इज बींग कंडक्टेड कहां कंडक्ट किया जा रहा है आई टी आर चंदीपुर आई टी आर स्टैंड फॉर वॉटर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज राइट एंड ये कहां पर है इट इज इन उड़ीसा ज उग्रम उग्रम क्या है दिस इज असॉल्ट राइफल जो कि डेवलप की है एआरडी दैट इज आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो की एक यूनिट है ऑफ डी आर डी ओ इन कोलेबोरेन विद वॉट प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर ठीक है

एयर डिफेंस जो है एयर डिफेंस जो है वो क्या किया जाएगा ऑटोमेट किया जाएगा ठीक है चाहे उसकी कंट्रोलिंग हो ऑटोमेशन uh, की या फिर उसका रिपोर्टिंग हो एंड दिस विल बी डन बाय अ डिजिटाइजेशन नॉट डिजिटलाइजेशन प्लीज टेक अ नोट इट इज डिजिटाइजेशन देन आई एन एस संध्यक आई संध्यक क्या है फर्स्ट एस शिप है एस एल वी स्टैंड फॉर वॉट सर्वे वेसल लार्ज शिप ठीक है जो कमीशन की गई है इन टू इंडियन नेवी एंड दिस वॉज डन इन प्रेजेंस ऑफ आर रक्षा मंत्री दैट इज राजनाथ सिंह और ये कहाँ पे डिप्लॉय की गई है इन विशाखापट्टनम नेक्स्ट इज आयन एस जटायू आईन एस जटायू जो है वो बनता है सेकेंड नेवल बेस इन लक्षद्वीप एंड दिस इज बेसिकली नेवल डिटैचमेंट जो कि कहां पर है मिनीकॉय में ओके दिस इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मिसाइल्स देखो मिसाइल्स बहुत ज्यादा जरूरी है फर्स्ट हम आ जाते हैं मिशन mission... दिव्यास्त्र पे कौन सा मिशन दिव्यास्त्र ना वॉट एग्जैक्टली इज दिस मिशन ये जो मिशन है ये डी आर डी ओ ने लॉन्च किया था फर्स्ट थिंग ठीक है एंड ये जो कंडक्ट किया गया था दिस वॉज द मेडन मतलब फर्स्ट फ्लाइट ऑफ वॉट द इंडिविजुअली डेवलप्ड अग्नि फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये अग्नि फाइव इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल अग्नि फाइव इट हैज वॉट इट हैज एम आई आर वी टेक्नोलॉजी वॉट इज दिस एम आई आर वी टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखना मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो एम आई आर वी है दिस इज़ नॉट विद लॉर्ड ऑफ कंट्रीज़ तो अब हम एक ऐसा देश बन जाते हैं जिनके पास एम आई आर वी मिसाइल सिस्टम है और हमारे अलावा किसके पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है यू के पास है फ्रांस के पास है ठीक है रशिया के पास है और चाइना के पास है तो अब हम कौन सी कंट्री बन जाते हैं वी आर द दिक्कत वन सो दैट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज योर रैमपेज रैमपेज क्या है एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और ये अब इंडियन एयरफोर्स के पास भी है और इंडियन नेवी के पास भी है ओके एंड दिस मिसाइल वॉज इनिशियली यूज बाय विच कंट्री इट वॉज यूज बाई इसराइली एयरफोर्स टू डू ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान ऑल्सो ठीक है सो दिस गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है दैट इज अप टू 250 एंड किलोमीटर्स दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहां से है इसराइल से है

उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज की डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किसे किया है अग्नि प्राइम को भी जो है टेस्ट फायर किया है लेटली ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है एक न्यू जनरेशन बलिस्टिक मिसाइल है ओके okay. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डीआरडीओ ने एक और चीज की है डीआरडीओ ने हैंड किया है मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्ट्रकेंट शैफ रॉकेट किसको ये इंडियन नेवी को हैंड किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फर्स्ट वन इज प्रलर ये जो है इंडियन आर्मी एक्वायर करने वाली है फर्स्ट थिंग इज दिस सेकेंड थिंग बिलिस्टिक मिसाइल है और ये हिट कर सकती है टारगेट अप टू यू नो वन हंड्रेड फिफ्टी से फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स तक ओके okay, फिर आ जाते हैं हम ध्रुवास्त्र पे ध्रुवास्त्र क्या है ध्रुवास्त्र इज़ अ ए टी जी एम दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ओके एंड दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज ज़्यादा दूर तक नहीं होती है एंड ये क्या है एयर से सर्फेस की तरफ लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसके अलावा और कौन कौन सी हैं इसके अलावा होती हैं जैसे कि हलीना हलीना जो है ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है इसके बाद आपको पता है नाग मिसाइल के बारे में भी फिर आती है संत मिसाइल ये सारी की सारी क्या हैं र वन टू थ्री फोर ये सारी की सारी आपकी हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसके बाद आते हैं हम अस्त्र मिसाइल पे अस्त्र क्या है अस्त्र इज अ दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर से एयर की तरफ लॉन्च की जाने वाली मिसाइल और अब ये सक्सेसफुली टेस्ट की गई है तेजस पे सो दैट वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री फॉर आर मिसाइल्स तेजस के लिए ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग पिनाका भी आपने बहुत बार न्यूज में देखी होगी एंड इस पे क्वेश्चन आता ही रहता है वॉट इट इज इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ठीक है एंड दिस इज बाय डी ठीक है डी के डी uh, आर ने बेसिकली बनाया है उसके बाद मरीच मरीच क्या है मरीच इज एडवांस टोरपडो डिफेंस सिस्टम ओके और इसके अलावा आपने शायद इगला एस भी बहुत देखी होगी आजकल न्यूज में इगला एस क्या है दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ठीक है और ये जो है हमने रशिया से ली है एंड दैट इज वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी हमने ग्वाना डिफेंस फोर्स को क्या प्लान किया है टू गिव देम टू एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया ठीक है इंडिया क्या देने वाली है टू एयरक्राफ्ट देगी एंड ग्वाना जो है ये इसे लोन पे लेने वाली है दिस हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन द करंट अफेयर्स ऑल्सो नाउ एज वी आर डन विद द करंट अफेयर्स अब थोड़ा सा स्टैटिक जानना भी जरूरी हो जाता है ठीक है क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा ये वाली जो मिसाइल है ये इंटरकॉन्टीनेंटल है या फिर शॉर्ट रेंज है मीडियम रेंज है अब मैं आपको रेंजेस जो है यही बता देती हूँ जैसे शॉर्ट रेंज है थ्री हंड्रेड से थाउजेंड होगी मीडियम रेंज थाउजेंड से थर्टी फाइव हंड्रेड होगी ठीक है फिर आ जाती है कि उसकी जो स्पीड है वो साउंड से कम है या साउंड से ज़्यादा है साउंड से अगर कम होगी सब सोनिक अगर साउंड से ज्यादा होगी हाइपर सोनिक राइट फिर आ जाती है कि ए टू एयर मिसाइल है या फिर से एयर मिसाइल दैट इज सैम भी बोलते हैं है, राइट right? फिर आ, कभी कभी आ जाता है एयर टू सर्फेस है या फिर सर्फेस टू सर्फेस है तो एयर टू तो एयर कब होगी जब कभी दो प्लेन एक दूसरे से फाइट ऑफ कर रहे हैं सर्फेस टू तो एयर क्या होगी जैसे कि अगर कोई हमें इंटरसेप्ट करना है एयरक्राफ्ट है या फिर कोई मिसाइल है उसे इंटरसेप्ट करना है फिर एयर से सर्फिस की तरफ कब होगी जब कभी कोई प्लेन गया या हेलीकॉप्टर गया या उसने देखा अटैक करना है ठीक है जब हमने पुलवामा को एवेंज किया था तो उस टाइम पर हमने कौन सी यूज की थी एयर टू एयर से सर्फेस वाली मिसाइल यूज की थी राइट सो सर्फेस टू सर्फेस वाली जो मिसाइल है वो कौन सी है जैसे हमने यहां से लॉन्च किया सर्फिस पे ही टारगेट है और सर्फेस से ही वो मिसाइलें लॉन्च की गई है ठीक है बलिस्टिक और क्रूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज दिस इज आस्ट अलॉट बलिस्टिक मिसाइल क्या होती है यूजअली लॉन्ग रेंज होती है वैसे इसमें शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज भी आती है लेकिन यूजअली जो लॉन्ग रेंज में बलिस्टिक मिसाइल ही यूज़ होती है कभी भी क्रूज मिसाइल नहीं यूज होती बलिस्टिक मिसाइल क्यों यूज होती है बिकॉज ये दूर तक जा सकती है अब ये एटमॉस्फेयर से पहले तो बाहर जाएगी बलिस्टिक मिसाइल और फिर वापस एटमॉसफेयर में एंटर करके टारगेट पर हिट करती है लेकिन इसकी एक बार हम लोगों ने डिसाइड कर ली ये इसी प्रोजेक्ट्री इस पे जाएगा और इस टारगेट पर हिट करेगा बाद में उसे हम चेंज करके इस पॉइंट पे ए से बी पे नहीं नहीं ला सकते आप इसका ध्यान देना लेकिन क्रूज मिसाइल में हम लोग टारगेट जो है लॉन्च है, कर करते हैं मतलब जो कि ज्यादा रेंज पे नहीं होता आई होप दिस इज क्लियर अब जल्दी से हम सारी डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स जो हैं हमारे पास हैं हमने बनाई है डेवलप की हैं और हमने यहां दूसरे देशों से ली है या दूसरे देश की इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं नाउ कमिंग टू द डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि ए टू ए मिसाइल ओके अब देखो वन एनी एयरक्राफ्ट इज देर दज अनाद एयरक्राफ्ट दैट वी सी और इसमें अगर हमें यूज करनी है कोई भी मिसाइल दिस इज ए टू ए मिसाइल एंड इसमें हमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करना सो प्लीज़ लॉजिकली सोच के देखना यह कभी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं होंगी यूजली शॉर्ट रेंज होंगी या फिर ज्यादा से ज्यादा मीडियम रेंज होगी जैसे इनोवेटर जो है यह क्या है दिस इज मीडियम रेंज थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड किलोमीटर्स एंड ये कितनी है फाइव हंड्रेड मीटर से एटी किलोमीटर्स तक और अस्तर मिसाइल प्लीज टे अ नोट ऑफ इट इज बी

सो कमिंग टू द फर्स्ट वन इन हियर दैट इज त्रिशूल देखो त्रिशूल जो है नाउ इट इज नो मोर बिंग प्रोड्यूसड बिकॉज इसमें कुछ आ गए थे अदरवाइज इट वॉज यूज फ्रॉम शिप्स अगेंस्ट एनी लो लाइंग अटैक्स सबसे इंपॉर्टेंट यहां आती है आकाश मिसाइल प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट आकाश जो है दिस इज यूज टू न्यूट्रलाइज एनी एरियल टारगेट ठीक है एरियल टारगेट में क्या क्या आ जाएगा फाइटर जेट है कोई क्रूज मिसाइल है ठीक है कोई भी एयर से लेके सर्फिस वाली मिसाइल है कोई बेलिस्टिक मिसाइल है उसमें ये यूज किया जाता है सेकेंड चीज जो है दैट इज इज इट मीडियम रेंज सैम है ये ठीक है ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है ये दिस इज मीडियम रेंज कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज पृथ्वी मिसाइल्स ठीक है जो पृथ्वी वाली मिसाइल्स हैं आर मिसाइल एटमोस्फेरिक मतलब हमारे एटमोस्फेयर से बाहर जाके भी इंटरसेप्ट करती है दिस इज दैट काइंड ऑफ मिसाइल्स एंड इट कैन गो अपिल टू थाउजेंड किलोमीटर सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये क्या है एग्जो एटमोस्फेयरिक मिसाइल सिस्टम है उसके बाद एक और बहुत जरूरी है दैट इज बराक एट बराक एट जो है दिस इज वॉट दिस इज लॉन्ग रेंज कैसी है लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है कमिंग टू द नेक्स्ट वन सो अग्नि देखो ये वाली मिसाइल ऐसी होंगी जो हम लैंड से ही लॉन्च करेंगे और लैंड पे ही टारगेट है ठीक है दिस इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल अब इसमें आते हैं जैसे अग्नि फर्स्ट ऑफ ऑल अग्नि को हम डिस्कस करते हैं ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए बेलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल ये सब है बेलिस्टिक मिसाइल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जैसे अग्नि वन अग्नि टू सो अग्नि वन कैसी है दिस इज मीडियम रेंज बलिस्टिक मिसाइल मतलब ये सेवन से ट्वेल्व हंड्रेड तक जाती है वेयर एज ये तीनों की तीनों जो है ये कैसी है इंटरमीडिएट रेंज बलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज है इनकी ओके okay, so जैसे, जैसे, रेंज भी बढ़ रही है इंटरकॉन्टीनेंटल बिलस्टिक मिसाइल अब आपने देखा होगा काफी बार न्यूज में आता है नॉर्थ कोरिया जो है इट लॉन्च मिसाइल टू वर्ड्स यूएस यू नो उनको सिर्फ डराने के लिए so ये कौन सी मिसाइल यूज करते होंगे सोच के देखो ऑफकोर्स फ्रॉम इट्स इट्स वेरी वेरी लॉन्ग रेंज राइट सो क्या हो?

इट इज शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल मतलब 150 फिफ्टी किलोमीटर्स तक मुश्किल से जाती है ठीक है नाग की वेर में अगर बात करूँ दिस इज वॉट दिस इज थर्ड जनरेशन एंटी टैंक वेरी इंपॉर्टेंट इसको तो आप बिल्कुल ऐसे स्टार मार्क कर लो और इसको बोलते हैं फायर एंड फगेट बी वाई बिकॉज पहले ही आपको टारगेट जो है वो क्या करना पड़ता है इसमें फिक्स करना पड़ता है टारगेट आपने फिक्स कर लिया एंड देन यू लॉन्च इट ओके फिर आते हैं क्रूज मिसाइल अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल 100 परसेंट आती है दे देंगे आपको चार ऑप्शन पूछ लेंगे इसमें से कौन सी क्रूज मिसाइल है या फिर कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है तो आते हैं क्रूज मिसाइल पे जैसे कि है आपकी ब्रह्मोस ब्रह्मोस कैसी है दिस इज सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज है ये जो है डेवलप किया है एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया ठीक है एंड दिस इज बेस्ड ऑन वॉट दो रिवर्स ब्रह्मपुत्र और ये वाली कौन सी रिवर है रशिया की जल्दी से नीचे कॉमेंट करो ठीक है ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये दुनिया की दैट इज वर्ल्ड में फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ध्यान देना ठीक है ऑल्सो ब्रह्मोस का एरियल वर्जन भी आ गया है जिसके अंदर ये सू थर्टी के साथ अटैच कर दी गई है ओके देन इट इज ऑल्सो शिप क्रूज मिसाइल इन ऑपरेशन दिस इज ऑल्सो यूज एज एंटीशिप मिसाइल ओके फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज निर्भय निर्भय जो है सब सोनिक इट इज नॉट सुपरसोनिक मतलब इसकी साउंड से स्पीड कम है सब सोनिक क्रूज मिसाइल सो क्या हो गई सब सोनिक क्रूज मिसाइल हो गई फिर आती है एग्जोसेट दिस इज अगैन वॉट दिस इज ऑल्सो अ क्रूज मिसाइल एयर या फिर शिप से सर्फिस पे जो यूज की जाती है दैट इज योर बराक वन एंड बराक एट ओके फिर एंटी टैंक मिसाइल अभी भी हमने कौन सी डिस्कस की थी नाक डिस्कस की थी जो हैलीकॉप्टर वर्जन होता है हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ एंटी टैंक मिसाइल इट इज नोन एज हलना ओके एंड फिर आती है अमोघा ओके ऑल ऑफ दीज अवॉर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सबमरीन लॉन्च बेलिस्टिक मिसाइल ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए ठीक है जैसे कि कौन कौन सी है द फर्स्ट वन इज सगारका कौन सी सगारका के फिफ्टीन ये सारी बेलिस्टिक मिसाइलें ध्यान देना ओके फिर आते के फोर K5, these are all what submarine launch, ballistic missile से you should know a bit well, because ये जो है this is actually third leg of India's nuclear deterrent submarine launched. तो ये nuclear deterrent है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और एक किस्म use की जा रही है, this is used in India's nuclear powered Arihant class submarine. तो ध्यान देना Arihant वाली, जितनी भी submarines हैं उसमें से use किया जा रहा है, integrate किया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मिसाइल जो हमने दूसरी कंट्रीज से ली हैं ठीक है अब मैंने क्या किया है एक साथ सारी कंट्रीज मैंने डाली हुई हैं सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर इट अब बात करेंगे स्कैल्प हेमर एक्जोसेट हमने तीनों फ्रांस से ली हैं एंड नाव ऑल ऑफ देम कैन भी यूज इन वॉट दे कैन भी यूज इन रफाल्स बिकॉज हमने रफाल भी फ्रांस से लिया है एंड दे कैन ईजिली भी इक्विप्ट टुगेदर तब तो आते हैं सबसे पहले स्कैल्प पे स्कैल्प क्या है एक क्रूज मिसाइल है इंडियन एयरफोर्स के पास है रफाल से भी यूज़ की जा सकती है हैमर हैमर जो है जैसे ऊपर से टारगेट देखा कि यहाँ पे हमें ड्रॉप करना है कुछ ठीक है सो वहाँ पर यूज़ की जाती है एयर से ग्राउंड की तरफ यूज़ की जाने वाली एक मिसाइल फिर आती है एग्जोसेट एग्जोसेट क्या है एक एंटी शिप मिसाइल है और ये इंडियन नेवी के पास भी है सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट फिर आते हैं मिटियोर मिटियोर अगैन रफाल से भी फायर की जा सकती है यूरोप से ली है अब आती है सारी की सारी रशिया वाली तो ये चारों की चारों कैसी है रशिया से ली है जिरकन पिचोरा किन्जल और पायोनीर ओके सो जिरकन जो है ये कैसी है ये एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ध्यान देना है बलिस्टिक है या क्रूज है एंटीशिप है या क्या है ठीक है पिचौरा पिचौरा कैसी है दिस इज वॉट से एयर मिसाइल है दिस इज वॉट यू नीड टू टेक नोट ऑफ एंड ऑफकोर्स कौन यूज कर रहा है प्राइमरीली इट इज बींग यूज बाय इंडियन एयरफोर्स फिर आ जाते हैं किंजल किंजल क्या है किंजल इज अ न्यूक्लियर केपेबल ओके बलिस्टिक मिसाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियर केपेबल है फिर आ जाते हैं पायोनियर पायोनीर क्या है दिस इज इंटरमीडिएट रेंज बलिस्टिक मिसाइल अच्छा जल्दी से नीचे कॉमेंट करो अग्नि का कौन कौन सा वर्जन इज इंटरमीडिएट रेंज बलिस्टिक मिसाइल अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको कमिंग टू द नेक्स्ट वन वॉ ये किसकी है देखो दिस वी हैव नॉट टेकन फ्रॉम एनी वन दिस इज जस्ट नॉर्थ कोरिया की सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट इंटरकॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल है उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेट्रियट हेल फायर टॉप हॉकी ये कहाँ की है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है ठीक है पेट्रियट जो है कैसे है दिस इज एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये डिफेंस सिस्टम है प्लीज ध्यान देना कैसा है अगर कोई मिसाइल आ रही है उससे हमें बचना है या फिर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिस इज वॉट पेट्रिएट फिर आते हैं hellfire. Hellfire जो है दिस इज़ ग्राउंड एंड एयर से ग्राउंड आपने देखे होंगे ड्रोन घूमते रहते हैं राइट सो एयर से ग्राउंड पे यूज करने वाली मिसाइल है एंड दिस इज यूजली यूज फॉर प्रोसीजन बाय ड्रोन स्ट्राइक सो ड्रोन स्ट्राइक में हेलफायर यूज करते हैं फिर आ जाते हैं टॉम हॉक टोंग हॉक कैसी है दिस इज अगैन सब सोनिक क्रूज मिसाइल है ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज अग्नि प्राइम ठीक है एस आर सैम फतेह और खुरम शहर देखो खुरम शहर जो है दोनों की दोनों ये ईरान की हैं और अभी न्यूज में रही थी इसलिए मैंने डाली है दिस वी हैव नॉट टेकन फ्रॉम ईरान ओके सो ईरान की फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है दिस इज व्हाट यू नीड टू टेकन आउट ऑफ ओके फिर आते हैं अग्नि प्राइम अग्नि प्राइम जो है ये इंडिया की है इट इज वॉट इट इज लेटेस्ट एंड सिक्स वेरियंट ऑफ अग्नि सीरीज ओके सिक्स वेरियंट है एंड आप इसका डिस्टेंस देखोगे दैट इज़ उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एस आर सैम दैट इज़ वी एल एस आर सैम ये भी डी आर डी ओ ने इंडिजिनसली डिज़ाइन की है एंड दिस इज फॉर इंडियन नेवी कमिंग टू द नेक्स्ट वन बराक एट बराक एट जो है ये इंडिया और इसराइल का जॉइंट वेंचर है प्लीज टेक अ नोड ऑफ इट इंडिया इसराइल का वेंचर है एंड दिस इज़ वॉट सर्फिस टू एयर मिसाइल ये एक सैम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके फिर आते हैं हम लोग स्पाइस okay? की जा रही है एयर से सर्फिस मिसाइल है एंड इट इज इन सर्विस विद इंडियन एयरफोर्स ओके फिर आते हैं साइड बाइंडर साइड बाइंडर क्या है दिस इज ए टू एयर मिसाइल दिस इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दिस वर्कस ऑन वॉट एग्जैक्टली इट वर्क ऑन इंफ्रा रेड सीकर तो इसमें क्या होता है इंफ्रा रेड सीकर होता है जबकि से ये हीट सोर्स को पता लगाता है एंड उसी डायरेक्शन में मूव करता है ओके okay? फिर आते हैं पी एट हंड्रेड ये कहां से है रशिया से है एंटी शिप क्रूज मिसाइल है कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ दैट इज बहुत ज्यादा जरूरी फर्स्ट हम करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं एफ डब्ल्यू डी टू हंड्रेड बी हमें मैच करनी है ओके सो एफ डब्ल्यू डी बी क्या है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनिंग टू मैन्यूफैक्चरिंग एवरी थे कॉम्बैट एरियल वहीकल है जो कि इंडिया ने डिजाइन किया है नेक्स्ट आता है नागस्त्र वन ठीक है सो so, ये जो है वॉट इज दिस दिस इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्यूसाइड ड्रोन ओके

ये लेटली न्यूज में रहे थे बिकॉज जब इंडियन चीफ थे आर कुमार उन्होंने 31 जो प्रिडेटर ड्रोन हैं इनको प्रिडेटर ड्रोन भी बोला जाता है प्लीज टेक अ नोट ऑफ टेकोट देर ऑल्सो एम क्यू नाइन बी ड्रोन या इट इज द सेम थिंग ओके सो वी आर एक्चुअली बाइंग 31 वन ड्रोन एंड इसकी जो डील है एवरीथिंग हैज बीन क्लियर ओके सो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज नेक्स्ट आ जाते हम दृष्टि टेन स्टार लाइनर अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है दिस इज एक्चुअली यू ए बी दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय Adani Defence and Aerospace, okay. And this particular drone, it is pretty much similar to Israel's Hermes, hai, Hermes 900. It is very similar here and this is now being inducted by Indian Army along the Pakistan border, okay. So, that's why very, very important. Now, coming to indigenous drones that have been developed by India itself. The first one is DRDO's Lakshay, okay. उसके बाद डी का ही है निशांत ओके सो इसका जो काम है दैट इज एरियल इंटेलिजेंस गैदर करना दैट इज इट इट इज नॉट फॉर फाइटिंग ओके उसके बाद आ जाता है डी का ही तपस ओके okay? तपस जो है वॉट इज इट इट इज ऑल्सो नोन एज रुस्तम टू क्या बोला जाता है इसे रुस्तम टू भी बोला जाता है दिस इज अगैन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड यू ठीक है इट इज इन ट्रायल स्टेज. कमिंग टू द नेक्स्ट वन द दान दैट हैव बीन इंपोर्टेड. ठीक है तो इंपोर्टेड ड्रोन्स की अगर मैं आपसे बात करूं. सो द फर्स्ट वन इज इज़राइल का हिरोन ठीक है इसराइल से हमने कौन सा लिया है वी हैव टेकन हिरोन

उसने डेवलप किया है प्राइवेट इंडियन फर्म का नाम क्या है इट इज क्रेन रोबोटिक्स ओके और इसराइल का स्मैश भी है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है सो दैट कैन ऑल्सो कम अप ठीक है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज बींग यूज बाय इंडियन नेवी कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑपरेशन एंड उसके बारे में ब्रीफ डिटेल्स ओके जितने भी ऑपरेशन में यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में आए वो उसके बाद जो एक्सपेक्टेड हैं फिर और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ठीक है ऑपरेशन में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है की वर्ड्स दैट सेट की कहाँ से इवैक्यूएशन हुआ है दैट्स इट पूरी आपको कहानी जानने की जरूरत नहीं है ओके ऑपरेशन गंगा इफ आई टॉक अबाउट दिस इसमें एज यू नो रशियन इन्वेजन वॉज देर तो ट्वेंटी में इवैक्यूएट किया था इंडियंस को फ्रॉम यूक्रेन

So this was an जो Navy ने लॉन्च किया था वॉज एक् सर्च ऑपरेशन जो इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ने बिकॉज सीरिया एंड टर्की में काफी ज्यादा अर्थक्विक की वजह से प्रॉब्लम ठीक है फिर आ जाते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन मेत्री वॉज अगैन अर्थक्विक रिलेटेड रिलीफ ऑपरेशन बट दिस वॉज टू वर्ड नेपाल इट वॉज इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन ओके फिर आते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन जो है इंडियन नेवल ऑपरेशन था जिसके अंदर 38 नेशनल्स जो हैं वो कहां से हम लोगों ने इवैक्यूएट किए थे यमन से उसके बाद आते हैं ऑपरेशन पवन ऑपरेशन पवन जो है दिस वाज इन 1987 दिस वाज एक्चुअली इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो गई थी टू टेक कंट्रोल ऑफ जाफना पेनिनसुला ठीक है फ्रॉम एलटीटीई दैट इज लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल अलम दिस वाज समवेयर इन श्रीलंका ओके फिर आता है ऑपरेशन बैरिस्टैक्स ये जो है दिस वॉज एक्चुअली अ कम्बाइंड आर्म मिलिट्री एक्सरसाइज दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्सेज एक्सरसाइज दैट वॉज सीन एंड ये पाकिस्तान बॉर्डर पे थी फ्रॉम नाइनटीन एटी सिक्स टू नाइनटीन एटी सेवन दैट इज नवंबर से लेकर जनवरी तक ठीक है उसके बाद आते हैं ऑपरेशन सर्द हवा ये जो है बी एस एफ इज यूजअली अलॉन्ग द बॉर्डर वैन इट कम्स टू राजस्थान बॉर्डर एवरी ईयर फॉर अ वीक इन जनवरी इसमें जो है इन्फिल्ट्रेशन एट्सेट्रा इज सीन बिकॉज फॉग बहुत ज़्यादा डेंस होती है नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट सो इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है फाइव स्टेट जो कि रेड कॉरिडोर में आते हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने नक्सलाइट्स uh, के अगेंस्ट एक ऑफेंसिव जो है ऑपरेशन uh, लॉन्च किया था ठीक है नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन पोलो दिस इज इन नाइनटीन निज़ाम रूल को एंड करने के लिए इन हैदराबाद ठीक है स्माइलिंग बुद्धा एज यू नो कि इंडियन इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो टेस्ट किया गया था वेन इट वॉज डन इन 1974 हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर एंड इट वॉज इन पोखरन रेंज सो उसके लिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था कमिंग टू ऑपरेशन सफेद सागर ये जो है दिस वॉज ड्यूरिंग कारगिल वॉर बाय एयर फोर्स एंड आर्मी इन 1999 इसके अलावा एक नेवी का भी था जल्दी से नीचे कमेंट करो कौन सा था आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ओके ऑपरेशन मेघदूत दिस वॉज टू रीगेन कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर विजय जो है दिस इज वॉट जो गोवा दमन एंड दीयू में पोर्टुगीज रूल एंड हुआ था दिस इज फॉर दिस उसके बाद आता है ऑपरेशन विजय दिस वाज अगेन ड्यूरिंग कारगिल वॉर उनकी इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे उनको पुश बैक करने के लिए ठीक है दिस वन इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है ऑपरेशन कैक्टस एज यू नो दैट मॉल में जो है होल ऑफ मॉल पर हेल्प किया था उसके बाद आते हैं ऑपरेशन राहत दिस वॉज अगेन येमेन से इवैक्यूएट किया गया था इंडियन सिटीजन को इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन उसके बाद एक और ऑपरेशन राहत है दैट इज फ्लड रिलीफ ऑपरेशन उत्तराखंड अगर अगर क्वेश्चन आता है दैट विल बी फ्रॉम फ्रॉम यमन नॉट दिस वन सो अगर ऑप्शन uh, में होगा सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क यमन ओके फिर आता है ऑपरेशन बंदर दिस टू दैटेशन पुलवामा अटैक स्टार मार्क कर लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैन कम इन द एग्जामिनेशन ठीक है बालाकोट एयर स्ट्राइक एज यू माइट नो उसके बाद आते हैं ऑपरेशन संकट मोचन दिस वॉज साउथ सुडान से इवैक्युट किया गया था इंडियंस को उसके बाद इंसानियत बांग्लादेशीज की तरफ

राजस्थान ये वाली कौन सी है दिस इज पंजाब एंड जम्मू ओके ऑपरेशन सुकून ये जो है इंडियन नेवी ने ऑपरेशन uh, लॉन्च किया था टू वैकविट ऑल द नेशनल्स चाहे वो इंडियन हो श्रीलंकन हो नीपलीस हो फ्रॉम इज सेफ होम कमिंग ये कब था जब इंडियन सिटीजन जो थे दे वर फ्लीइंग फ्रॉम लिबियन सिविल वॉर एंड इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया था यूजिंग इंडियन नेवी एंड एयर इंडिया ऑपरेशन तलवार जो है दिस इज ऑपरेशन दैट इज कैरिड आउट बाय नेवी अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना दैट आर्मी एंड एयरफोर्स का तो चलो बता दिया है व्हाट इज फॉर इंडियन नेवी तो कारगिल के टाइम पे जो ऑपरेशन इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था दैट वाज नेम्ड एज ऑपरेशन तलवार ऑपरेशन पाइथन वाज फॉलो अप फॉर ट्राइडेंट जल्दी बताओ ट्राइडेंट क्या था नीचे कमेंट करो ठीक है उसके बाद सर्च लाइट ऑफ़ कोर्स कुछ मिसिंग होगा तो मलेशिया की एक फ्लाइट थी बॉइंग ट्रिपल सेवन दैट वॉज मिसिंग उस टाइम पे ये ऑपरेशन सर्च लाइट वॉज लॉन्च्ड कम इंग टू लास्ट फ्यू वंस नाउ देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम इफ यू रिमेंबर है ना उसके बाद ऑपरेशन ब्लू बर्ड दिस इज मणिपुर में जब असम राइफल की पोस्ट को अटैक किया गया था उस टाइम पे ऑपरेशन लॉन्च किया था ब्लैक टोनेडो अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुंबई अटैक्स के रिगार्डिंग है टू थाउजेंड एट एंड ऑपरेशन मेघना हेली ब्रिज दिस वॉज ऑल्सो नेम्ड एज कैक्टस लिली ठीक है इंडिया पाकिस्तान वॉर इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन स्टार मार्क करो नाउ कमिंग टू ऑपरेशन अजय ठीक है ये वाले जो है करंट अफेयर्स में रहे हैं अभी सो दैट्स आई एम डिस्कसिंग विद यू एंड दूसरा है ऑपरेशन बम्बी बकेट दिसकस विद यू इन एफ कैट करंट अफेयर्स विडियो राइट सो ऑपरेशन अजय जो है इसमें क्या हुआ है इसराइल से इवैक्युएट किया है इंडियन नेशनल्स को दैट इज वन थ्री जीरो नाइन इंडियन नेशनल्स देन ट्वेंटी नेपलीज नेशनल्स एज वेल ठीक है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेशन बम्बी बकेट वॉट एग्जैक्टली इट इज मी सेवेंटीन जो है इंडियन एयरफोर्स के दे हैव गॉन टू कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर जो कि देखी गई है अभी लेटली नैनीताल की साइड में ठीक है सो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें इंडियन एयरफोर्स का भी काफी बड़ा रोल रहा है ठीक है दिस इज द करंट अफेयर विद दिस आई एंड द वीडियो फॉर डिफेंस आई होप इट वॉज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज आइव कम्पाइल्ड एवरी थिंग इन दिस वन सिंगल पैकेट एंड प्रोवाइडेड यू ठीक है सब कुछ अच्छे से अरेज्ड है करंट अफेयर के साथ साथ मैंने आपको स्टार्टिंग कवर करा दी है इसके अलावा देर आर टू थ्री थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तो है कमांड ठीक है उसके बाद रैंक uh, सिस्टम और कुछ डिफेंस इंस्टीट्यूट हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो इधर आई कैन प्रोवाइड यू विद अ पी डी एफ ऑन टेलीग्राम दिस और आई कैन मेक यू डू दिस इन डिफेंस एक्सरसाइज वाली वीडियो जो मैं आपको कराने वाली हूँ सो इट इज योर टेक जल्दी से नीचे कॉमेंट कर दो हाउ डू यू नीड इट यू नीड इट एस अ पी डी एफ और यू वॉन्ट मी टू मेक यू लर्न इट टूगेदर डिफेंस एक्सरसाइजेस के साथ ही ओके okay? सो so,